हमारे पास नहीं है। तो एक मुख्य को जाके देखती है तो एक बेटा होगा ऊपर, वो कहते देखो देखो ऊपर दे ऊपर दे, कभी बेटा होगा। ये माता जी की चोरी करता ही है, रहा नहीं कर रहा, अपना नहीं खिला रहा। ये बड़ा शराबी है, बड़ा भूत है। देखो देखो हमारा कपड़ा दे दो, हमारा वस्त्र दे दो। अरे ये बोलते हैं मैं वस्त्र दे लिया, तुम्हें वस्त्र दे लियो, दूसरा कोई व्यक्ति यहां नहीं आया, तुझे ही दिया है वस्त्र। तो भगवान ने कहा कि पहले तुम अपने दल से स्वीकार करो, तब मैं तुझे वस्त्र दे दूंगा। आप क्या करते स्वीकार करो, बोला आपसे तुम लोग जमुना जी ने दंड सुना नहीं करोगी। एक गोपी कहती है बड़ा ख्याल देने के लिए आया है, अच्छा हम लोग स्नान करते हैं, बड़ा क्या ही हो गया तुम, देखो नंद बाबा नंद प्राणी सब शिकायत करें तुम्हारा, कि तुम्हारा गाना इस तरह से हम लोग गलत सुनाता है। तो कहिए कहते हैं देखो हमें धमकी मत दो, तुमने गलत किया है, इसलिए मैंने तुम्हारा वस्त्र चुराया, अगर मुझे धमकी दोगे तो बस कभी मैं नहीं दोगे दूंगा, तुम लोग माफी मांगो, अपनी गलती स्वीकार करो। अपनी गलती स्वीकार की तो भगवान ने वस्त्र नीचे गिरा दिया, दुर्गा की बिहारी लाल की। तो भगवान ने वस्त्र चुराकर गुरु की ज्ञान दिया कि जल जो ब्रह्मदेव का वास है, इसके जल में दंड सुना नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। दुर्वासा मुनि जमुना जी के तट पर तपस्या कर रहे, जमुना जी के तट पर तपस्या कर रहे हैं। आप दुर्वासा जानते कितनी तपस्वी है, दुर्वा घास खाते अरे नहीं खाते, मलाम भी देते थे, दुर्वा घास खा कर जाते, बड़े तपस्वी है दुर्वासा, और जितने तपस्वी है उतने क्रोधी भी है। भगवान श्री कृष्ण राजा है, दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण जाते हैं, ऐसे तपस्वी ऋषियों का दर्शन करना चाहिए। यही दर्शन करने के लिए श्री चरणों को प्रणाम किया, दुर्वासा जी कहते हैं कृष्ण कैसे हो, बस आपका आशीर्वाद है महाराज, कैसे आना हुआ आपका दर्शन करने के लिए, हमें पता चला कि आप राम बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, आज आपका एक काफी दुख भी है महाराज, आज का एक आशीर्वाद का प्रभाव हमारे तरफ से रहेगा। युवा समुद्र ने स्वीकार कर दिया ठीक है, आज काशी ग्रंथ का प्रभाव मैं तुम्हारा ही दूंगा, लेकिन समय पर आ जाना। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, बोलो जो वास्तव में प्रणाम करके भगवान चले। अब इधर क्या होता है, भगवान तो राजा है, भगवान को बहुत काम है, भगवान जो वास्तव में का प्रभाव लेकर के राधा जी के साथ पहुंचते हैं। रुक्मिणी जी के साथ भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों जाते हैं, दुर्वासा मुनि कब्र खोलने का समय विलंब हो रहा है, ये विलंब से पहुंचे हैं। अरे महाराज मैं प्रणाम ले आया, आप ग्रहण करें। तो दुर्वासा मुनि यहां से लाल हो गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा प्रहार नहीं लूंगा, परंतु परंतु विलंब से आया, इसलिए मैं तुम्हारा प्रहार ग्रहण नहीं करूंगा, अपना प्रहार ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, हमारे माथे पर बहुत सारा बोझ है, आने में विलंब हो गई महाराज, आप क्षमा कर दें।
तरबूजे का छोड़ा नहीं होता। तरबूजे के लिए चरण प्राप्त करती है कि महाराज क्षमा कर दीजिए, आप तो हमारे माता पिता हैं, आप तो जीव के सच्चे मित्र हैं, संत जीव के सच्चे मित्र होते हैं, आप परम दयालु भी हैं, संत दयालु भी होते हैं, इसलिए आप हमारी गलती को क्षमा कर दें। दुर्वासा पूरी जंगल में हल भी चलाते थे, आज दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण आज के हल तुम्हें जो दूंगा, एक तरफ से कृष्ण भगवान को और दूसरे तरफ से रुक्मिणी जी को जोड़ दिया है, चाबुक मारे जा रहे हैं, कन्हैया को चाबुक मारते हैं दुर्वासा मुनि, और कन्हैया भी कृष्ण प्रणते हैं, रुक्मिणी जी को चाबुक मारते हैं, वही होती है, चलते 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 चार घंटे हो गए, अब भगवान श्री कृष्ण तो पीछे जा रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी जी खींच नहीं पाती, वो गिर जाती है, तो कन्हैया क्या करते हैं, अपने हाथ से भूखा बुझे भी उठा कर खींच चले जाते हैं। अब दुर्वासा की बहुत तेजी से हम जुड़ते हैं, अब रुक्मिणी जी बार बार गिर जाती, सारा चाबू कन्हैया के ऊपर पड़ रहा है, सारा लोड सारा वजन कन्हैया के ऊपर पड़ रहा है, रुक्मिणी जी थक करके चूर हो जाती, चाबू मारे जा रहे, जब रुक्मिणी जी थक करके गिर जाती है तभी को दया आ जाती है, दुर्वासा बोली अच्छा कृष्ण सुनो, मैंने तुम्हें बहुत चाबू मारा, तुम दोनों पति पत्नी को बहुत चाबू मारा, तुम लोगों ने गुस्सा नहीं किया, तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, लाभ तुम्हारा प्रभाव कहा है, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारा प्रभाव भोग करूंगा, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी प्रभाव को निकालते हैं। भगवान प्रभाव ग्रहण करते हैं, दही भी लगी है, भगवान एक दुर्वासा मुनि थोड़ा दही भी खा लेते हैं, थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देते हैं, थोड़ा दही भी छोड़ देते हैं, दुर्वासा मुनि कहते हैं रुक्मिणी देखो ये जो दही है ना वो श्री कृष्ण के पूरे शरीर में लेपन करते हैं, लेकिन याद रखना कोई भी अंग छूट न जाए, पूरे शरीर में दही लेपन कर देना, तो उन्हें क्या करती है भगवान के पूरे अंग में दही लेपन कर देती है, लेकिन तलवा में नहीं लगाती, तलवा में नहीं लगाती है, दुर्वासा मुनि अपनी आंख बंद की हुई है, दुर्वासा मुनि के मन में हुआ कि श्री कृष्ण धर्म पराया राजा है, दुनिया में लंबे समय तक रहेगा तो दुनिया का हमारा कल्याण होगा, स्त्री को अपन बना दूंगा, इसका पूरा शरीर बजरी का बना दूंगा कि कोई शत्रु मार न सके। अब दुर्वासा मुनि पूछते हैं रुक्मिणी से, रुक्मिणी क्या तुमने दही लेखन कर दिया अपने यह शरीर में, कहते हाँ सब जगह कर दिया हमने, हाँ अब दुर्वासा मुनि अपने आंख खोलते हैं तो देखते हैं सारा शरीर तो लेखन कर दिया लेकिन तलवार नहीं लगा, दुर्वासा मुनि कहते हैं देवी तलवार का उपयोग रह गया, मृत्यु का कारण तलवार ही होगा, व्यासा जी ने महाभारत तलवार, देखिए महाभारत के युद्ध में ऐसा प्रसंग आता है विष्णु पितामह कितना अपनी वाहन चलाते थे, द्रोणाचार्य चलाते थे, कर्ण चलाता था, और सारे वाहन भगवान के शरीर में वशी भी हो जाते थे जैसे नदी समुद्र में लीन हो जाते थे, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में खरोच भी नहीं लगा था, महाभारत के युद्ध में खरोच नहीं लगा था, लेकिन आज भगवान एक व्याधा के मार से अपना शरीर का परित्याग कर दे,
सर्वप्रधान विश्व रचिदाता, जो जस करे सो तस प्रण चाहता। देखिए कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण पर दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति तारे नाही तरी। कर्म पर हमको बहुत पड़ता है, बात कर रहे हैं। अरे दुनिया वाले लोगों, कर्म स्थान पर हमको बहुत पड़ा। रामा बता दे, मैंने पानी को छुप करके मारा, वो कर्म वो पाप हमसे हो गया और पाप का फल देवता ने पीछा दे दिया, लेकिन द्वापर ने कर्म अपना फल दे दिया। तो कर्म का फल यदि हमें भी भोगना पड़ता है, दुनिया वाले लोगों को भोगना पड़े, क्या सच की बात भी क्या है। आप सीता जी का आरंभ क्यों हुआ, माता जानकी का आरंभ क्यों हुआ, जानते हैं? माता जानकी जगत नंदिनी है, राजकुमारी है, उनके पिता राजे जगत बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा है। तोता पाली है क्या, तोता सुगा सुगा तोता पाली है। और जानकी जी क्या करती है, रोज उसको तोता को चना खीर और फल अखरोट वगैरह खिलाती है। अब देखिए वो मादा तो मादा तोता है, मादा तोता पिंजरा में बंद है, वो अपने पति से मिलने के लिए छटपटा थी, व्याकुल है, बेचैन है। अब जानती थी उसको बंद करके रखी है पिंजरा में, वो मादा तोता साफ देता है। ओ जानकी, आज तुझे कोई पिंजरा में बंद करके रखी है, तुझे भी एक दिन पिंजरा में बंद होना पड़ेगा। और जानकी को यह कारण हुआ और भी कहा रही अशोक वाटिका के देता है, अशोक वाटिका में रही। सीता हरण मरण दशरथ को अपन ने विपत्ति पड़ी, कर्म गति तारे नाही तरी। आप इस पितामह, आप इस पितामह बहुत बड़े राजा थे, बताते हैं जब भगवान की संख्या पर पड़े हुए थे इस पितामह, भगवान श्री कृष्ण खड़े थे वहां। इस पितामह कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने सो जन्म तक कोई पाप नहीं किया, तो किस पाप का अपराध मुझे भोगना पड़ा, हमारे मां की संख्या पर रखे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह ठीक बात है, आपने कोई पाप नहीं किया है। पितामह कहते हैं, मैंने सौ जन्म तक कोई पाप नहीं किया, लेकिन इस पाप का मुझे भोगना पड़ रहा है कि आप पाप की संख्या पर रखा हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तो आप सौ जन्म की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे 101 जन्म की बात करता हूं। 101 जन्म में भी आप राजा थे और आप रोकर जा रहे थे, एक सबको ने रास्ता काट दिया, आप सब दूर हो गया और आप रथ से कूद गए, आप गुस्सा आ गए, रथ से कूद गए और नाक से पकड़ लिया, आप कुछ पकड़ के घुमा करके क्या किया, धरती पर पकड़ दिया, सांप अधमरा हो गया। अधमरा सांप को आपने बबूल के काटा पर गिर दिया, उसके पूरे शरीर में बबूल के काटे चुभ गए और तड़पते तड़पते उस सर को मर गया। पितामह उसी कर्म का फल आज आपको भोगना पड़ा है, वो कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते अधिकार है, लेकिन हमारा छोड़ करके संसार में कर्म करना चाहिए।
काम करेंगे तो आपको अधिक फल मिलेगा, आपका अंतर शुद्ध होगा, आपका मन पवित्र होगा, तो आपके अंदर कोई कामना नहीं है, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो कर्म आपके अंतर को पवित्र कर देंगे। इस तरह से दुर्वासा मुनि ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न होकर प्रणाम दिया। हे कृष्ण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि दुनिया में तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी, दुनिया में बड़ी पूजा होगी तुम्हारी। और मुनि जी को भी आशीर्वाद दिया, हे मुनि, नारियों ने प्रतिमाताओं ने कीर्ति तुम्हारी होगी, नारियों ने जो प्रतिमाता नारी है उसमें से आप एक होगी और आपकी कृति संस्था भी बड़ी फैलेगी। तो दोनों दंपति को दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद देकर के भेजा। सच्चिदानंद भगवान श्यामल रामचंद्र की भगवान श्री कृष्ण की मौत हो गई, गोपियां भगवान का निष्काम भक्त है, गोपियां भगवान से सच्ची प्रेम करते, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है अनपढ़, लेकिन वेदांति है, वेदांत जानते और भक्ति भाव में लीन करती। आज भगवान की इच्छा होती है कि हम जंगल में महाराज करें, इस ख्याल से भगवान शरद ऋतु की पूर्णिमा में कार्तिक मास में भगवान वृंदावन में अरण्य में भगवान पहुंचकर बड़ी सुंदर वास्तविक हो जाते हैं। आप भगवान ऐसे मधुर वास्तविक हो जाते हैं कि पशु पक्षी भी मधुर हो जाते हैं। वो भी अच्छी चीज आती है भगवान के पास होने में, कोई गोपी रोटी बना रही है तो रोटी छोड़ कर क्यों आती, कोई गोपी झाड़ू लगा रही है तो अधूरा झाड़ू छोड़ करके आपकी ही देकर, कोई काजल लगा रही है तो एक आंख पर काजल लगा करके भाग जाती, कोई अपने पति का चरण दबा रही है अधूरा सेवा छोड़ करके भाग रही है। भगवान ने ऐसा वास्तविक हो गया कि सारी गोपियां मुक्त है, आप मोर हो गई, शरीर की सुधि नहीं रही, ये गोपी दही बेच रहे, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, तो क्या बोलने लगी, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, शरीर का मान नहीं, ये संसार कृष्णमय हो गया, गोपियों के लिए क्या हो गया, संसार कृष्णमय हो गया और भगवान श्री कृष्ण के लिए कृष्ण दे रहे राधामय हो गया। तो भगवान कृष्ण राधा बन गए और राधा श्री कृष्ण बन गए, इतना प्रेम हो जाए अभी तो भगवान राज करते हैं, महाराज करते हैं भगवान अपने भक्तों को प्रेम बांटते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति तात अनुपम सुख भूला, मिलहिं संत होहि अनुकूला, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भाई भक्ति स्वतंत्र है, देखिए इस महाराष्ट्र में वो भी पक गई भक्ति भाव में,
उसको परम दर्शन हुआ, उसको जहां देखती है वो भी वही भगवान है। अब गोपी के साथ एक भगवान प्रकट हो गए, ये महाराष्ट्र चल रहा है, बड़ा आनंद है। अब गोपी के साथ भगवान प्रकट हो जाते हैं, अब गोपी देख रही है, एक रैया देखी है कि इसका गोपी के साथ वो कृतम कर रहा है। लेकिन वो भी अगर कृत कर रही है, महाराज कर रही है, गोपी को अपने सौदर्श का हान हो जाता है, अपना रूप का हत्या हो जाता है। क्या बड़ी सुंदरी है भगवान को काले करते, जैसे ही गोपियों के होते बात आती है तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान को अहंकार चाले लगता है। कोई पावा मोहे कपट जल चित्र बाबा, भगवान कहते हैं निर्मल मन वाला आदमी हमको अच्छा लगता है, छल कपट करने वाला आदमी मेरे को अच्छा नहीं लगता है, उसको भी नहीं हो सकता। इसके भगवान को इसलिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो वो भी देखते हैं चिंतित हो जाती है, भगवान कहा चले गए, ओ हो हमको अहंकार हो गया था, हमको रूपा विमान हो गया था, इसलिए भगवान हमको को छोड़ करके चले गए। लेकिन वो भी क्या करती है, राधा जी नहीं है, राधा जी कहा चली गई, तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अपने कंधे पर बैठा करके बहुत आगे बढ़ गए हैं। और वहां महाराष्ट्र का राधा जी है और कन्हैया है, वहां पर राधा जी के मन में अहंकार हो जाता है, बड़े सुंदर है, भगवान राधा जी को भी छोड़ देते हैं और भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए तो राधा जी को बड़ी चिंता हुई, हम कन्हैया के बिना कैसे रहेंगे, आग लुट गया, हमारे प्रियतम चले गए, आप कैसे जीवित रहोगी। राधा जी बड़े ही घोर चिंतन में है, बड़ा गोपी गीत बड़ा सुंदर फारसी में लिखते ऐसे महाराज ने ये गोपी गीत जो लिखा है इसमें वेदांत का ध्यान भरा हुआ है। वेदांत जिसमें जीव कैसे प्रभु परमात्मा से मिलता है, जीव दुखी आनंद रहता है, जब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलती है, ईश्वर नहीं मिलते हैं, विद्युते हृदय ग्रंथिश ग्रंथे सर्वसंतयाणी तस्मिन दृष्टि बनावे, जब हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, जब चेतन की गांठ खुल जाती है, जयति दीश्यता
पिता सर्वस मां चिंवते शरदार से साधु जात सरसी जात श्री मुषादिशाथ दे सुख
दोनों भाई दोस्त अक्रूर जी महाराज जरूर श्री कृष्ण भगवान को लेने के लिए आया है। कर्ण भाव में सुबह कहा जाता है, कर्ण ने बहुत बड़ा समारोह किया है। आज उस समारोह में बुलावट है श्री कृष्ण और बलराम, वहां परमाणु का युद्ध होगा, बड़े बड़े पहलवान वहां होंगे, उसके चारों जैसे पहलवान हो गए। अब इधर से श्री कृष्ण भगवान जाते हैं रथ पर, आरूढ़ वहां गोपियां नहीं चाहती कि भगवान जाए, गोपियां मदद करती है। भगवान कहते हैं मैं परसों लौट आऊंगा, वो भी चिंता मत करो। वो कहते नहीं, अब तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, आप परसों की बात करते। हमारे सांस सांस में तुम बसे हो, हमारे दो दिनों में तुम बसे हो, और दो दिनों का विदा तो बहुत बड़ा मिला। इसलिए कृष्ण मुझे छोड़कर के मत जाओ, मैं नहीं जाने दूंगी। बताते हैं जब अक्रूर जी रथ चलाते हैं ना, तो वो भी रास्ते में पहिया के नीचे लेट जाते, और रथ कैसे चले। भगवान जी को समझाते हैं, वो भी नहीं मानती है, तो भगवान सच्ची सदर पर से उतर जाते हैं, और गोपियों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, गोपियों देखो एक बहुत बड़ा समारोह हमारे बाबा जी ने किया, उस समारोह में मैं जा रहा हूं, आप लोग चिंता ना करो, परसों लौट आऊंगा। अगर आप मन की बात है आज आप कर जाएगी, कल कर जाएगा, परसों वही है। गोपियां मान गए ठीक है, भगवान सत्य है। देखिए गोपियों को ज्ञान है, ज्ञान गोपियां कहती है ठीक है, सबका काम होना चाहिए, भगवान तो सत्य है, आप परसों तो नहीं आ ही जाएगा, एक दिन की बात है।